सब्सक्राइब कीजिए फूडी बाई हार्ट चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन्स फॉर द इंस्टेंट अपडेट्स। Hey ladies and gentlemen, welcome to another very very special episodes of Foodie. आज का रेसिपी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो रेसिपी हम लोग बनाने वाले हैं वो है एक बांग्लादेशी रेसिपी, इसको बोलते हैं मटन काला भुना। मटन काला भुना वहाँ पे सर्व होता है विद लच्छा पराठा, तो हम लोग वही बनाएंगे एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में और आशा करते हैं कि आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू अनाउंस सम गिवअवेज एज वेल। आई हैव वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर वेरी वेरी स्पेशल सब्सक्राइबर्स ऑफ माइन, सो देयर विल बी अ गिवअवे। क्या गिवअवे होगा सब कुछ रेसिपी के बाद एंड ऑफ द सेशन मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है मस्टर्ड ऑयल, मटन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली एंड क्यूमिन पाउडर। सबसे पहले हमें चाहिए स्लाइस ऑनियन, तो फाइन स्लाइस यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, आप देखिए। और अभी मस्टर्ड ऑयल में हम डालेंगे होल गरम मसाला, दालचीनी, लौंग और इलायची। उसको थोड़ा सा जब क्रैकलिंग हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे ऑनियंस, ऑनियन स्लाइसेस। हमेशा याद रखें कि इस रेसिपी में ऑनियन ही पूरा 80% ऑफ द रेसिपी इज़ ऑनियन, सो ऑनियन को फ्राई होना बहुत ही अच्छे से ज़रूरी। उसके बाद हम डालेंगे अभी सॉल्ट, शुगर और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट से क्या होगा, सॉल्ट से जो ऑनियन से सबसे पहले ये पानी जो है वो बाहर निकल के आएगा, और शुगर से जो कलर है, जो देखिए आप डार्क कलर आया है वो आएगा। अभी डालेंगे हम ब्लैक पेपर कलर के लिए। यहाँ पे हम लोग कोई रेड चिली यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, मतलब कि जीरा पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बाकी थोड़ा बचा के रखेंगे बाद के लिए। अभी आप देख सकते हैं ऑनियन पूरा ब्राउन हो चुका है, शुगर की वजह से कलर बहुत ही अच्छा पकड़ा हुआ है। और उसको धीरे धीरे धीमे आंच में उसको फ्राई करते रहें, और स्टेज बाय स्टेज देखिए यहाँ पे ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जगह आप स्किप मत कीजिए। ये जगह अगर आपसे कोई गलती हो गया तो पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा और ब्लैक पेपर और ब्लैक कलर के लिए, और आप देख सकते हो अभी कि पूरा जो ब्राउन है कलर पूरा डार्क ब्राउन हो चुका है, देखिए। और डार्क ब्राउन होने से सबसे पहले आपको पता चलेगा कि पूरा यहाँ से उठ के आएगा पैन से, और थोड़ा सा इसको बचाने के लिए हम लोगों को पानी डालना होगा। और आप देखेंगे अभी पानी डालने के बाद मतलब 30-35 seconds ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑनियन जो है वो परफेक्टली फ्राई हुआ है। अगर पूरा फ्राई नहीं होता तो ये जो है ऑनियन इतने जल्दी कभी भी गलता नहीं है, ये कच्चा रह जाता। आप देखिए कलर देखिए, धीरे धीरे पूरा ब्लैक कलर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को डालना है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको अच्छे से पकाना है। याद रखना कि ये कच्चा ना रह जाए, पूरा अच्छे से पकना चाहिए। फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे डालेंगे हम मटन, और मटन को हम अच्छे से भूनेंगे, देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे मटन को। यहाँ पे मटन को देखे मिनिमम 10 से 12 मिनट आपको भूनना है कच्चा मटन को, कोई मैरिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। अभी 5 से 8 मिनट बाद हम थोड़ा धीमे आंच में उसको दम में पकाएंगे। उसके बाद अभी देख सकते हो एटलीस्ट 30-35 मिनट्स के बाद पूरा मटन पक चुका है। फिर भी उसको और थोड़ा मतलब आपका ग्रेवी को थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए थोड़ा सा पानी देके फिर से हम लोग को यह चलाना बहुत ज़रूरी होता है, आप देख सकते हैं अभी। फिर ढक के और 5 से 6 मिनट पकाएंगे हम, और फिर ढक्कन को खोल के हमें इसमें डालना होगा ग्रीन चिली। देखिए मैं अभी डालूँगा ग्रीन चिली, इसको थोड़ा मिला ले आप, ये देखिए ग्रीन चिली, देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा है। और अभी जब पक चुका है अभी उसको हम सर्व करेंगे एक बोल में। गार्निशिंग की कोई ज़रूरी नहीं है, आप देख सकते हो ब्लैक कलर का पूरा मटन का कलर आया हुआ है। तो चलिए अब बनाते हैं इसके साथ खाने के लिए
कुछ लच्छादार पराठा। तो पराठे के लिए सबसे पहले आटे में डालें नमक, उसके बाद थोड़ा सा चीनी, और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट ऑयल। उसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से जब मिल जाएगा तब उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसको अच्छे से गूंद लें उसको। और जब पूरा एक डो बन जाएगा, हमें इसे थोड़ा सा मीडियम ये चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। उसको अच्छे से मिक्स करें, फिर उसमें डालें थोड़ा सा वाइट ऑयल और उसको देके फिर से 3 से 4 मिनट तक उसको अच्छे से गूंदें। फिर उसको आराम से रख के 10 से 15 मिनट का रेस्टिंग पीरियड, रेस्टिंग टाइम दीजिए। और फिर थोड़ा सा एक इक्वल प्रोपोर्शन में उसको अलग से सेपरेट करके रखिए। मेरे पास 3 ही पराठा हुआ है, अभी उसको अच्छे से बेल ले। देखिए यहाँ पे गोल बेलने का कोई ज़रूरी नहीं है, अभी लच्छा बना रहे हैं, यहाँ पे आप कैसे भी मर्जी बेल सकते हो। और लेयर के लिए डालेंगे हम आटा या मैदा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और ये जगह अच्छे से देखिए, ये जगह मिस होना नहीं चाहिए। कैसे बना रहे देखिए लच्छा, ये पूरा फोल्ड बनाने के बाद उसको हम घुमा के थोड़ा सा शेप देंगे। देखिए कितना बढ़िया शेप हुआ है, देखिए आप अच्छे से ये वाला देख लीजिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपका भी अच्छा होगा। और फिर इसको 10 से 15 मिनट रखने के बाद फिर उसको बेलना होगा। आप यहाँ से तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको गोल से पूरा बेल लीजिए। अभी गोल बेलना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रेजेंटेशन में काम आता है। इसको थोड़ा सा सेकेंगे सूखा दो साइड, जब थोड़ा सा कलर पकड़े तब हम उसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके घी और उसको हम अलग से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम डालेंगे थोड़ा घी, बिल्कुल थोड़ा सा डालिए, ज़्यादा डालने का कोई ज़रूरी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे पराठा हमें क्रिस्पी चाहिए, ऑयली नहीं। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और उसको देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, पूरा गोल्डन ब्राउन। अभी हम उसको थोड़ा सा क्रश करेंगे और मटन के साथ सर्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट। देखिए एकदम भी बिल्कुल भी ओवर गार्निशिंग मैंने किया नहीं है, जो जो खाने में मैं यूज़ किया था एज ए रेसिपी में वही है। ये है पराठा और इसके साथ है मटन काला भुना। जैसे कि मैं बोला था, ये बांग्लादेश का बहुत ही एक फेवरेट एक डिश है। ये मतलब हर घर में, हर त्यौहार में बांग्लादेश में बनाया जाता है, हर रेस्टोरेंट का स्टार रेसिपी यही है। तो आप घर में इसको बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि यह कैसा लगा, कैसा बना। और कोई अगर सजेशन चाहिए हो तो, और कुछ भी आपको कमेंट्स करना है कि और क्या इम्प्रोवाइज़ करने से ये और अच्छा होगा, मुझे बताइए कमेंट में और मैं वो चीज़ इम्प्रोवाइज़ करके और दूसरा नया नया रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड हे, बिफोर आई लेट यू गो, एज यू रिमेम्बर, वीडियो के शुरू होने से पहले मैं बोला था कि मेरा सब्सक्राइबर लोग के लिए गिव अवे होगा। सो ये है गिव अवेज, ये दो बॉटल्स जिसमें आप बहुत सारा मॉकटेल सर्व कर सकते हो। तो ये मिलेगा मेरा सबसे अच्छा सब्सक्राइबर को। तो इसको मिलने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपना नाम और लिखना होगा ये आई एम अ फूडी, ये नीचे लिख के, और उसके बाद आपका कोई भी ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। यू राइट डाउन योर ईमेल एड्रेस देयर, आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई विल सिलेक्ट रैंडमली एनी 2 पीपल फ्रॉम माई बेस्ट सब्सक्राइबर एंड आई एम गोना शेयर दिस फैंटास्टिक थिंग्स विद देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग टू फूडी बाय हार्ट फॉर टुडे। आई रियली रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस एंड होपफुली यू विल बी स्टेइंग टुगेदर फॉर अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।